Tashu. Hello. Tashu. Tashu, surprise. Hello. Surprise. Surprise. Tashu. घुसा फोन के अंदर घुसी जा रही. तो राधे राधे, जय माता दी, कैसे हैं आप सभी? ये देखिए कैसा डिस्टरबेंस कर रही है. और मेरे ना चार दिन से ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ में छोटा सा ब्लॉग अपलोड कर दूं. ओए रुक जा रुक जा, ये मेरी लकड़ी है ना, ये कुछ नहीं करने दे रही है. लोग गुस्सा हो गई, गुस्सा हो गई, गुस्सा. इधर आओ, इधर कर दो. इधर आओ, हाय करो, हाय करो, तशु हाय कर दो, प्यार कर लो, प्यार ऐसे करो, फ्लाइंग किस दे दो, फ्लाइंग किस दो, फ्लाइंग किस दो, तशु, 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 ए तशु, ए, तशु, तशु, जल्दी करो जल्दी, कर नहीं रही है, फ्लाइंग किस दे रही है, दे नहीं रही सही से. और अभी ना ब्लॉग तो आप लोगों को मेरे बाद में मिलते रहेंगे, क्योंकि मैंने सोचा अभी एडिट कर लूं. नेहा बोली दीदी आप केवल अपडेट दे दो कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं, तो मैंने कहा चलो ये भी ठीक है. बहुत ज्यादा थक गई हूँ, 8:30 हो रहा है, 3 रातें हो गई हैं, सोई नहीं हूँ सही से बिल्कुल भी, 1 रात तो बिल्कुल भी नहीं सोई हूँ. और ये है मेरी शैतान सिंह. इधर आओ, इधर आओ मेरी लट्टू. क्या कर ले हो, क्या कर ले, क्या कर ले? तो रक्षाबंधन वगैरह सब हो चुका है. हाँ सब हो चुका है. और मैं ना बहुत ज्यादा घूमी फिरी हूँ इस बार, पहली बार इतने कायदे से रक्षाबंधन हुआ है. लेकिन अपने भाइयों के मैं कायदे से राखी नहीं बांध पाई. राखी बहुत जल्दी भी बांधी अपने भाइयों के. इसीलिए आपकी राखी भी सुंदर लग रही जब आपने इनको बांधी, कान्हा जी वाली. हाँ हाँ गोविंद के सुंदर लगी, बहुत अच्छी गोविंद को अच्छी लगी. हमने देखा ना हमने किसने बांधी, तो राखी बहुत सुंदर लगी, पता नहीं कहाँ खोल के रख दी. राखी गोविंद की कहाँ चली गई, बहुत सुंदर थी, घर में नहीं खोली, प्लॉट में खोली. अच्छा अच्छा, तो ना फिर मैं चली गई थी. इस बार नानी के यहाँ गई अपनी, नानी के यहाँ, फिर उसके बाद में गई अपनी बीच वाली बहन के यहाँ, फिर गई अपनी भाभी के मायके, फिर गई अपनी बड़ी दीदी के घर में. और बड़ी दीदी के घर से वापस लौट के आ गई पुखराया अपने मायके. इस बार बहुत घूमी और घूमने का नतीजा तो आप देख रहे होंगे. नेहा कह रही थी दीदी आपका चेहरा इतना अजीब सा क्यों लग रहा है, भाई 2 दिन से लगातार सफर 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 और ये कंडीशन हो गई, सोए नहीं बिल्कुल भी. तो मैंने सोचा चलिए, सभी लोग पूछ रहे थे कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के तो मैसेज भी आ गए कि आपकी तबीयत तो ठीक है, क्या हो गया, मतलब 4 दिन तो कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि मैंने ब्लॉग ना अपडेट किया हो, अपलोड किया हो. तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ छोटी सी अपडेट कर देते हैं कि मेरे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे हैं. और बाकी मेरे कल से ब्लॉग्स आएंगे, तो आज मैं छोटा सा ही ब्लॉग आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ. सारे बच्चे नीचे हैं, तशु ये खेल रही है, मैं यहाँ ये लेटी हैं, ये देखिए थकी मैं हूँ, लेटी नेहा है. आज नेहा भी थक गई, आज नेहा भी थक गई. आज ना मेरे मामा के लड़के, बहू, बेटी, दामाद, नाती, पोता सब आए थे और मैं थी रास्ते में. मैं वापस आ रही थी बड़ी दीदी के घर से, तो मैं तो नहीं थी यहाँ पर नेहा अकेली पड़ गई थी. नेहा ने सबका खाना पीना बनाया. नेहा कैसा फील कर रही हो? नेहा इस बार बिल्कुल अकेली फंस गई इतने सारे लोगों में. नहीं सो रही थी तो प्रॉब्लम नहीं, सो रही थी, अगर जग रही होती तो. हाँ सही बात है, बताए छोटे छोटे बच्चे हैं ना, थक जाते हैं ये लोग, पर बच्चे सोते नहीं, परेशान करते. आज लेकिन ये सो रही थी, अभी भी देखिए खेलने में लगी हुई है. बाकी के सारे नीचे हैं, दीदी की बेटी भी आई हुई है, उसको मैं लेके आई थी. और आकर्षित नीचे हैं, आद्या नीचे हैं, अति नीचे हैं, डुगू नीचे हैं, 5 बच्चे नीचे हैं, 1 बच्चा मेरा ऊपर, ये देखिए. तो चलिए कल से आप लोगों के साथ में डेली ब्लॉग्स मैं अपलोड करूंगी. सुधा भी पूछ रही थी, धारा दीदी भी पूछ रही थी, सभी लोग पूछ रहे थे क्या हो गया भाई, वीडियो कहाँ गायब हो गए. तो वीडियो घूमने चले गए थे कुछ दिन के लिए, तो अब लौट आए हैं घूम के, तो अब वीडियो भी आएंगे. तो वेट कीजिएगा और कल से मेरे ब्लॉग्स डेली आएंगे.